नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरित्र ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी औरतें होती है जो रोजाना संबंध बनाना पसंद करती है। जी हाँ दोस्तों, यह औरतें संबंध बनाने के लिए इतनी ललायत रहती है कि वो अपने पति के होते हुए भी अन्य पुरुषों से संबंध रखती है। तो चलिए जानते हैं कि वह औरतें कौन सी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दे। और दोस्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा को पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी एक महान विद्वान के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे। उन्होंने औरतों के बारे में बहुत सारी नीतियों का वर्णन किया है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि गुलाबी रंग के चमकते नाखून वाली औरतें बहुत ही ज़्यादा संबंध बनाने में उत्तेजित होती है। यह अपने पति और परिवार दोनों के सुख दुख का ख्याल रखती है और परिवार की सभी इच्छाएं पूरी करती है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस महिला के पांव की मध्य उंगली अपेक्षा करते बड़ी होती है, वे ज्यादा संबंध बनाने में कामयाब होती है। ऐसी महिला से जो विवाह करता है उस पति की तो लॉटरी लग जाती है, क्योंकि दोस्तों वे औरतें अपने पति को बहुत ही ज्यादा खुश करने में कामयाब होती है। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति बहुत ही ज्यादा त्याग करने वाली होती है। ऐसी औरतें अपने पति को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और ऐसी औरतें अपने पूरे परिवार को बहुत ही अच्छे से संभालने में सक्षम होती है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस औरत की नाक लंबी होती है, वे औरतें अपने पति को खुश करने में बहुत ही हद तक कामयाब होती है। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीति में ऐसी औरतों का जिक्र किया है कि जो औरतें कोमल स्वभाव की होती है, वह अपने पति को संबंध बनाने में बहुत ही ज्यादा खुश कर देती है। तो दोस्तों, ये तो थी वो औरतें जिसके बारे में आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि ऐसी औरतें संबंध बनाने में बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होती है।